आदमी सुरक्षा गार्ड को एकदम पैर का जूता समझते हैं। कई लोग आ जाते हैं, बुरा भी बोल देते हैं, गाली भी दे देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम खुद ही चुप हो जाते हैं। खड़े रहना, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। मेरा बाप भी तो है, कुछ 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं, कोई उन्होंने उनको छुट्टी नहीं देनी, कभी बीमार पड़ गए तो उनके पैसे कटेंगे। जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। मेरा नाम, मैं जहांगीर पुलिस हूँ और यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करती हूँ। मेरा नाम श्री कृष्ण है, मैं सुल्तानपुर जिला का रहने वाला हूँ। सुरक्षा गार्ड का काम पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। मेरे पति है, मेरा डिवोर्स हो चुका है। जब मेरी बेटी हुई थी उन्होंने 2 महीने बाद ही मेरे को डिवोर्स दे दिया था, क्योंकि लड़की हुई है इसलिए। फिर भी थोड़ा घर को मैनेज करने के लिए या फिर खर्चे चलाने के लिए, बच्ची का दूध आना था, हर चीज आना था, इसे दूध कहाँ पिलाती, लाके फिर कहाँ से पिलाती मैं। होली के त्योहार के समय पे एक हमारी सोसाइटी का लड़का बदतमीजी किया, एक लेडीज के साथ छेड़छाड़ किया। लड़की ने कंप्लेन दी हमारे को, हमने उनके घर पे मैसेज दिया। घर वाले मेरे ही ऊपर गर्म हो गए कि क्यों आरोप लगा रहे हो। वो हमें पुलिस केस में फंसाने की धमकी देने लगी, जबकि लड़का उसका बदतमीजी किया लड़की के साथ। कई बार हम कुछ बात कहते हैं या फिर अंदर से कोई ऑर्डर होते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसे नहीं, तो कई लोग बदतमीजी पे उतर जाते हैं, नहीं मैडम ऐसे कैसे नहीं, आप क्या हो, आपको हटवा देंगे नौकरी से, ये कर देंगे। बदतमीजी तो सर बहुत झेलनी पड़ती है, सामना करना पड़ता है, क्या करें इस लाइन में है। तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ इतनी बदतमीजी करते हैं, ये लोग हाथ भी उठा देते हैं, कोई स्टाफ का या फिर कोई और बंदा होता है अंदर का, वो मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। एक मई 2014 में अपार्टमेंट में वैकेंसी थी, वहाँ पे ज्वाइन किए थे, उन्होंने बुलाया था हमको। गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से उन्होंने रखने की बात करी थी। ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। फिर हमने इनसे कहा कि अब इस महीने से स्केल बढ़ाओ आप, और जो सरकार का मिनिमम वेज है वो दो। तो इन्होंने कहा कि आप कल से मत आना। इन्होंने गार्ड को गेट पे मना कर दिया कि अंदर मत लेना। हम मेडिटेशन सेंटर सेक्टर 16 गए, वहाँ पे हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट दी, ये हाजिर नहीं हुए वहाँ। लेबर कोर्ट गए, वहाँ भी पिछले दरवाजे से इन लोगों ने समझौता किया जाके उन लोगों से, केस खारिज हो गया। फिर हम इस टाइम पे रोहिणी में सेक्टर 9 में केस चल रहा है हमारा। हमारे हिसाब से 675,000 के आसपास बकाया है उसमें। अगर अगला पीछा बोल रहा है तो हम उल्टा नहीं बोलेंगे, अपने सीनियर को रिपोर्ट करेंगे। कोई भी ईटा पीछा कोरियर वाला आता है, मुँह में गुटका रखा है, उसको बोले भैया बात भूल गया। टॉयलेट दूर होने की वजह से हमें ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, जैसे कोई इमरजेंसी हो जाए, कभी कुछ हो जाए तो हम जा नहीं पाते, एकदम लास्ट में जाना पड़ता है हमें। जो अनरजिस्टर्ड ठेकेदार हैं जी, ये तकरीबन ज़्यादा ये ठेकेदार भी माइग्रेंट ही हैं, और ये अपने ही रिश्तेदारों को जहाँ जानकारी में अपने गांव से उधर से लोगों को लाते हैं, यहाँ एजेंसी खोली, उसमें उनको उन्होंने एम्प्लॉय कर लिया,
फिर उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। वो जो 8,000 या 9,000 रुपये उनको एम्प्लॉय करते हैं, उसमें से भी हर महीने कभी उनको 1,000 दे दिया, कभी 2,000 दे दिया, कभी 2,500 दे दिया, ऐसे करते करते वो 5-7 महीनों में उनका 25-30,000 रुपये अपने नीचे कर लेते हैं। उसके बाद उनको बाउंडेड लेबर बना लेते हैं, ना तो वो छोड़ के जा सकते हैं और ना ही उनको पैसे देते हैं। अब ये मेरी बच्ची के यहाँ पे गांठ हो रहा है। अब मैंने जब इसका पहले इलाज कराया था तो बहुत पैसे लगे थे, 15,000 लगे थे। अब इसका दोबारा ऑपरेशन कराने बोला है जब ये 5 साल की हो जाएगी, तो इसमें पैसे लगेंगे, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? कभी हमने सुना था कि गुलामी का जीवन जीते थे लोग, तो वे आज ये महसूस हो रहा है कि एक आधुनिक दास प्रथा चल रही है। आगे तो भैया यही चाहेंगे हम कि हमारी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा भविष्य हो इसका, हमारी तरह ना हो।